बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज का हमारा लेक्चर है थर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हमने आज पढ़ने हैं। केसी का ही टॉपिक हमने कंटिन्यू रखना है। फर्स्ट है, केसी हैज़ नो यूनिट्स फॉर ए रिएक्शन इन विच दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। केसी का कोई यूनिट नहीं होता जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है, मिकदार बराबर होती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, H प्लस आई रिवर्सिबली चेंज इनटू 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। केसी एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, इसको हम मलिक्यूलैरिटी कहते हैं और इसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है बच्चों, H2 हाइड्रोजन के दो एटम, I2 आयोडीन के दो एटम, ये जो हैं ऑर्डर हैं, और 2HI ये जो है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इसकी मलिक्यूलैरिटी हैं। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इसका कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोलर कंसंट्रेशन, और ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर को हम जो है कोएफिशिएंट में नहीं लिखते हैं। इसकी यूनिट्स जो हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही हैं, तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की लिखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है तो एक मोल डीएम क्यूब जो है कट जाएगा इससे, और दूसरा भी मोल पर डीएम क्यूब कट जाएगा, यानी कि बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका नो यूनिट। केसी का इस केस में यूनिट नहीं है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। सेकंड कंडीशन है, केसी हैज़ यूनिट्स फॉर ए रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। केसी का यूनिट तब होता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा होते हैं रिएक्टेंट से। एग्जांपल है, N2O4 रिवर्सिबली चेंज इनटू 2NO2। केसी एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी है NO2 की जो कि हमने लिख दी, N2O4 की हमारे पास कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो अब हम इसके लिए यूनिट्स लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, और मोल डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये मोल पर डीएम क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा एक के साथ, और जबकि एक मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास बाकी रह गया है जो कि केसी का यूनिट है इस इक्वेशन के लिए। थर्ड केस में सिमिलरली, केसी हैज़ यूनिट्स फॉर ए रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ लेस देन द रिएक्टेंट्स इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। कि केसी का यूनिट तब भी हमारे पास होता है कि जबकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की मिकदार कम हो और रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा हो। एग्जांपल देख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली चेंज इनटू 2NH3। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं रिवर्सिबली। केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हमारे पास है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हमारे पास मौजूद है। अब हम इस इक्वेशन के यूनिट्स लिखते हैं इसी फार्मूला में, जो कि मोल पर डीएम क्यूब है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर प्रोडक्ट के लिए डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब, एंड मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब है रिएक्टेंट्स का। तो अब हम जब इनकी वैल्यूज़ कैंसिल करेंगे आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, मगर यहाँ पर एक बाकी मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा, और यहाँ पर भी, जो कि आपस में प्लस हो के फिर हम इसको लिखेंगे। केसी हमारे पास इक्वल है 1 डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। अब हम किसी भी यूनिट को इस तरह शो नहीं कर सकते बच्चों, तो हम मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब -2, क्योंकि हम यहाँ पर इसको लाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ केसी। द वैल्यू ऑफ केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द
इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोन होगी तब हम वैल्यू ऑफ के सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो रिवर्सिबली चेंज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है 0.04 मोल पर डी एम क्यूब है और आयोडीन भी 0.04 मोल पर डी एम क्यूब है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड 0.08 मोल पर डी एम क्यूब है। सोल्यूशन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पुट की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन भी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास नोन है, हमने के सी फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज़। अब हमने इन सब की कंसंट्रेशन पुट करनी है इस इक्वेशन में। के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है 0.08 स्क्वेयर और रिएक्टेंट है 0.04 और 0.04, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में और ये भी मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास आंसर आया 0.0064 डिवाइड बाय 0.0014। डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आया 4, के सी की वैल्यू है 4।